फाइनली सनी देओल की बैक टू बैक कई ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनकी बातें बॉलीवुड नगरी में लगातार ही जारी हैं। और आज के दिन सनी देओल की एक फिल्म मोहल्ला असी रिलीज हुई। वैसे तो ये फिल्म काफ़ी टाइम से विवादों में घिरी हुई थी, लेकिन फाइनली ए सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया। सनी देओल के अलावा इस फिल्म में आपको साक्षी तनवर और रवि किशन भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिल्म आज पर्दे पर दस्तक दे चुकी है और इस पर ऑडियंस का कैसा रिएक्शन आ रहा है आपको ऑडियंस ही सुनाते हैं, जहां लोगों ने अपनी मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं फिल्म को लेकर। जहां कुछ लोगों को फिल्म की कहानी काफ़ी पसंद आई है, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि स्क्रिप्ट थोड़ी सी कमज़ोर है। इसके अलावा क्या क्या कहा ऑडियंस ने, सुनिए। बहुत अच्छी थी मैम फिल्म में। क्या अच्छा फिल्म में? स्टोरी अच्छी थी, जो बनारस के बारे में बोला गया वो अच्छा था, एंड उसके कुछ यूनिक वर्ड्स हैं वो अच्छे थे। देन ऑल ऑफ मूवी पूरी ही अच्छी थी, और सनी देओल जी तो पहले से ही अच्छे हैं। एक्शन नो मैम, जस्ट किसी मूवी में मेरे हिसाब से एक्शन मायने नहीं रखता है, क्योंकि स्टोरी पूरी मूवी को ही क्रिएट करती है। अच्छा डायरेक्टर ही एक अच्छी मूवी बनाता है, तो स्टोरी पे ही पूरी मूवी चलनी होती है, तो एक्शन का कोई मायने नहीं है। क्योंकि इस टाइप की मूवी है तो इसमें एक्शन होना भी नहीं चाहिए था, शायद अगर एक्शन होता तो आई नो कि इतनी अच्छी होती वो। हाँ मतलब कल्चर है वैसा जैसा दिखाया है, तो जो भी प्रेजेंट किया है वो सही प्रेजेंट किया है। मैम देखिए, जो भी है ये मूवी है, और इसमें कुछ तो अलग से मसाले डालने ही पड़ते हैं, तो जो भी अलग से डाला गया वो मसाला है, क्योंकि अगर हमें एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा तो हम मूवी क्यों देखेंगे। नहीं मैम, इसमें अगर किसी धर्म को लेके ये बातें की जाए तो वो गलत होंगी, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये जो धर्म और ये सब पॉलिटिशियन का काम है, हम एक्ट्रेस और हम जैसे लोगों का काम नहीं। हमारा काम है एक अच्छा राइटर बनना, अच्छा एक्टर बनना, और अच्छी मूवी को देख के कुछ सीखना। थोड़ा बहुत है वो कॉमन है, वो तो हर जगह अभी गदर में इतना सारा दिखाया गया तो वो तो कॉमन हो चुका है उसका। इज़ अ गुड परफॉर्मेंस एंड रवि किशन इज़ द अदर कैरेक्टर्स, सो जस्ट लाइक मैम 3.5। अच्छी मूवी है, हाँ। टॉपिक काफ़ी अच्छा लिया है, कॉन्सेप्ट अच्छा है उसका, स्क्रीन प्ले अच्छा है, बट स्टोरी थोड़ी स्लो कर दी उन्होंने। क्या कॉन्सेप्ट लिया है उन्होंने रिलीजन के ऊपर, थोड़ा पॉलिटिक्स डाल दिया उसमें, थोड़ा अयोध्या का मुद्दा ले लिया उन्होंने, तो कहानी ठीक है और एक्टिंग वाइज भी अच्छा है, सब लोगों ने अच्छा काम किया है। हाँ डायरेक्शन भी अच्छा है, इस तरह से पूरी टीम को लेके चला है तो अच्छा काम किया उसने डायरेक्टर ने। अच्छा सिचुएशन रियल है, वहाँ की रियल सिचुएशन है, ये होता है। और हाँ सही दिखाया हुआ है, ऐसा होता है शायद, क्योंकि देखते हुए लग रहा था कि कनेक्टेड हैं, लेकिन कहानी धीरे धीरे स्लो होती गई तो फिर वो एक कहानी में कहाँ इतना पता चल पाता है बनारस का। बनारस बहुत बड़ा है। आउट ऑफ फाइव, आउट ऑफ फाइव 3 दे दूंगा। ठीक है, टाइम पास नॉट गुड, एक्टिंग वाइज अच्छी फिल्म है, कोई स्टोरी लाइनअप नहीं है, डायरेक्शन अच्छा है, जितने भी एक्टर्स हैं सनी पाजी है, साक्षी तंवर है, सबने काम अच्छा किया, क्योंकि जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं सबने बहुत अच्छा काम किया। और कुछ सोशल मैसेज नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि कहानी किसी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हुई और एंड में कुछ अच्छा एंड दिखाया। धर्म को लेके कुछ बातचीत की गई है, राजनीति को कुछ बातचीत की गई है, कांग्रेस और लाइक बीजेपी को लेके कुछ बातचीत की गई है, कोई मुझे कोई विज़न नहीं लगा फिल्म का। और गाली यूज़ की गई है, और वो कहते हैं वहाँ का वो फेमस ही है गाली, तो बट हर जगह यूज़ करना उसका मुझे कोई तुक नहीं लगा उस बात का। हाँ एक सोशल मैसेज था कि अंग्रेज़ी और हिंदी का और संस्कृत का जो बता रहे थे, हाँ लैंग्वेज सीखनी चाहिए, अच्छा है, और कोई भी आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो उसके लिए लैंग्वेज अच्छी है तो सीखनी चाहिए। देखो सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और मुझे जहाँ तक समझ भी आया, बट मुझे नहीं लगता उतना अलग है जितना उसमें दिखाया गया है।
लाइक कुछ कॉमन चीज़ें उठा के चिपकाई गई है और उतना तो नहीं लगा, बट ठीक है अभी कुछ अच्छी फिल्म भी नहीं है तो आप क्या करोगे। देखो परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है, एक्टिंग वाइज फिल्म बहुत अच्छी है और जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी एक्टर हैं, सनी बाजी हैं, जो भी एक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट थिएटर बैकग्राउंड के आर्टिस्ट हैं, सबको लाइनें अच्छी मिली है, डायलॉग बहुत अच्छे हैं, सबके डायलॉग बहुत अच्छे हैं। और लाइक जो अयोध्या वाला टॉपिक था, राम मंदिर और वो मस्जिद का, लाइक मेरा खुद का विज़न है, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार वहाँ पे अगर तुम देश हित में कुछ करना चाहते हो तो लाइक हॉस्पिटल बना दो, कुछ गवर्नमेंट संस्था बना दो जो लोगों की सेवा कर पाए, हेल्प कर पाए, ज़रूरी नहीं है वहाँ पर मंदिर ही बने, मस्जिद ही बने, लाइक तो एक लड़ाई झगड़े वाला टॉपिक है तो उसका कोई तुक नहीं है। गालियों का ऐसे कुछ जगह बेमतलब ही यूज़ किया गया है, कोई वहाँ पे उसका विज़न नहीं है कि गाली बार 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 बार, कुछ चीज़ें हैं जो लाइक सब लोग बैठ के नहीं देख सकते यार, लाइक ठीक आप अकेले चले जाओ, लाइक फैमिली फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो कह नहीं सकते। देखो डायरेक्शन तो ठीक है, जिस हिसाब से फिल्म को फिल्माया गया वो अच्छा है, बट फिल्म एंड में जाके कहीं ख़त्म नहीं हुई, लाइक कुछ मतलब नहीं निकला, लाइक वो भोलेनाथ जी को वापस वो गंगा में बहाए और लाइक फिर वो वापस घर में ले आते हैं, लाइक वो वाली बात है ना कि इंसान जब भूखा मर रहा हो तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, अपनी परिस्थितियों के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, फैमिली के साथ, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं समझौता करेगा। तो लाइक वो समझौता दिखाया लास्ट में कि हाँ वो समझौता भी किया उसने, और वो कैथरीन जो लड़की लास्ट में जिसको रखा, बट मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया चीज़। 2.5 या 3 काफ़ी अच्छी थी इसी, बहुत सारी सोशल इश्यूज़ को दिखाने के चक्कर में द डायरेक्टर आई थिंक लॉस्ट हिज क्लैरिटी, तो उन्हें हर भले बहुत सारे सोशल इश्यूज़ उन्हें लेके आ गए स्क्रिप्ट में, लेकिन हर एक पर इंडिविजुअली फोकस करना चाहिए था, ना कि यू नो जैसे इंग्लिश हिंदी के यूजेज में, जैसे हिंदी को आई थिंक प्रमोट करने के लिए तो क्लैरिटी होनी चाहिए थी स्क्रिप्ट में। सनी देओल, साक्षी तनवर, पीपल लाइक देम, परफॉर्मर लाइक देम कुड हैव बीन मच बेटर इन द फिल्म, लेकिन ओवरऑल इट वाज नॉट दैट ग्रेट बिकॉज फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी अच्छा गया, लेकिन जैसे जैसे द फिल्म वेंट ऑन सेकेंड हाफ तक यू फेल्ट लाइक क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग, तो ओवरऑल ठीक था फिल्म बट कॉन्सेप्ट कुड हैव बीन मच क्लियर। एज आई सेड सी सेंसिटिव टॉपिक्स काफ़ी सारे चुने गए उन्होंने, उन्हें एक दिखाना चाहिए था या दो तीन, बट सबको जेला मिक्सअप कर दिया तो दैट इज़ वेयर द स्क्रिप्ट, दैट इज़ वेयर द फिल्म वेंट डाउन, यू नो आई वॉज एक्सपेक्टिंग वे मच फ्रॉम सनी देओल एंड साक्षी तनवर बीइंग इन द फिल्म, बट ठीक है उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। एग्जैक्टली सनी देओल हुज़ प्लेइंग पंडित इन दिस फिल्म एंड क्योंकि बनारस में पूरा शूटिंग किया है, द लोकेशंस कुड हैव बीन इन द फेवर ऑफ द फिल्म, लेकिन उतनी बखूबी या उतने उम्दा तरीके से नहीं दिखाया गया। आई वेंट फॉर द फिल्म बिकॉज ऑफ साक्षी तनवर एंड सनी देओल, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट जब स्क्रिप्ट में ही क्लैरिटी नहीं है तो एक्टर्स भी फिल्म को नहीं बचा सकते, दैट इज़ द थिंग। उसी की वजह से फिल्म लैक हुई है, अगर डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट को लेकर, अपने कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर होते तो आई थिंक द फिल्म कुड हैव बीन अ बेटर वन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक